नमस्कार, मैं हूं अंकिता मोरे और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के चपेट में आ चुकी है और हम बोल इंडिया न्यूज चाहते हैं और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन जरूर करें और अब अपने घरों पर ही रहे, क्योंकि जान है तो जहां है। देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शिक्षक सादिक रहमान साहब ने वैक्सीन लगाया है, हमसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है वैक्सीन लगाने पर? मुझे वैक्सीन लगाने पर किसी किस्म का डर, खौफ और भय महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि खुशी महसूस हो रही है और इस बात के लिए मैं ज़िला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था कर दी गई है कि ग्रामीण के लोग भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच कर इस व्यवस्था से लाभ उठाएँ और टीका लगाकर अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुरक्षित रखें। ये मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु भी हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे और ये लोगों के लिए जो भय है लोगों का, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे डरने और खौफ खाने और भय करने की कोई आवश्यकता और ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक दवाई है और दवाई जो है नुकसान नहीं पहुँचाती है। हमें पूरे एतमाद के साथ अल्लाह पर भरोसा करके, क्योंकि अल्लाह शफा देने वाला, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। दवाई तो एक ज़रिया है, एक साधन है। इस ज़रिए और साधन को हम अपना कर अपने आप को आने वाली बीमारी या चल रही जो महामारी है उससे अपने आप को महफूज और सुरक्षित रख सकते हैं। मैं अपील करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई को टीके की शक्ल में जो लगाई जा रही है लगवाएं, इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त और जो महामारी फैली हुई है उससे जो है महफूज रखें, सुरक्षित रखें और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।